अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। अभी मैं डायरेक्ट रेडी होकर व्लॉग स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम होने लग जाता। आज मैं उठ गया था सुबह 7:30 बजे क्योंकि कल का व्लॉग एडिट नहीं हुआ था, रात को काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था इस वजह से सो गया था। अभी 7:30 बजे उठ के एडिट किया हूँ, अब जा रहा हूँ कॉलेज। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कॉलेज जाने से पहले हसन अली मेरे साथ है, मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा प्यार कर लूं फिर जाऊंगा क्योंकि शायद ये घर चले जाए और शायद नहीं भी जाए। सिस्टर को तो मना कर दिया कि आप नहीं जाना, शाम में जाना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर लूं फिर इसके बाद जाऊंगा कॉलेज, और कॉलेज का टाइम भी हो चुका है। बाबा गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल फुल गहरी नींद में सो रहा है। चलो चलो मामा को दे, मामू जा रहे, टाइम हो गया। चलो चलो चलो, अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम आया तो इतना शॉर्ट दिन हो रहा है कि फौरन निकल जा रहा है, टाइम भी हो गया कॉलेज का। कॉलेज से छुट्टी हो चुकी और आज हाफ ही डिज़ाइन बनाया, फुल डिज़ाइन नहीं बन पाया, वो घर पे ही कंप्लीट करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर। मैं कॉलेज से आके किसी काम से चले गया था, अभी आया हूँ। कैप वगैरह भी ऐसी लगा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने क्योंकि नमाज का भी टाइम होने वाला है। नमाज के लिए मैं ये कपड़ा प्रेस करवा रहा था और ये सिस्टर ने कपड़ा जला दिया, पूरा इस्त्री से कपड़ा जला दिया। तो मुझे फिर ये पहनना पड़ा, वो मेरा फेवरेट शलवार कमीज था, मैं वही पहनता हूँ अक्सर, आप लोगों ने देखा भी होगा व्लॉग में। फ्राइडे वाले दिन मुझे वो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो सिस्टर ने आज वो जला दिया। अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज का टाइम हो गया। नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, अब बैठा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए क्योंकि आप लोगों को पता है फ्राइडे वाले दिन वीडियो लेट अपलोड होता है, 2 बजे तक होता है। तो अभी अपना लैपटॉप खोला हुआ है, जल्दी से करता हूँ वीडियो अपलोड फिर जाऊँगा खाना खाने। वीडियो अपलोड हो गया और वीडियो मलाइका के बर्थडे का, आप लोग जाके देखें, लाइक कमेंट्स भी कर दें आप लोग। और मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ शॉप ओपन करने क्योंकि आप लोगों को पता है फ्राइडे वाले दिन मैं ही ओपन करता हूँ शॉप। मैं टेरिस पर आया हूँ और मौसम अचानक से चेंज हुआ और काफ़ी खूबसूरत हो रहा है मौसम। व्यू चेक करें, ऐसा मौसम हो रहा है जैसे शाम हो चुका है लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 3:30 हो रहा है और मौसम इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चलो तोते लोगों को देख लूँ फिर दोस्त लोग के पास जाऊँगा। आज वो लोग ने कहा है कि आज फिर से मैच खेलेंगे, मैंने बोला चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अभी ये तोते लोगों को देख लूँ। अरे इन लोगों ने तो अपना खाना इतना गंदा किया हुआ, ये लोग भाग ना जाए क्योंकि पहले भी 3 जो थे वो ऐसे ही भागे थे। इन लोगों को सबसे पहले मैं खाना दे दूं। मुझे तोतों का खाना नहीं मिल रहा तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। अभी मामा से पूछा, मामा बोली इधर रखा हुआ है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि इधर रखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही इसको बंद कर देता हूँ, जल्दी से बंद करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों का आश्रय नहीं, ये लोग 2 मिनट लगाते हैं भागने में। तुम लोग यहीं रहो, आ रही है खाना देने तुम्हें, वेट करो। आ गया हूँ दोस्तों के पास मैच खेलने और ये रिजवान बॉल करवा रहा है, शेरी बैटिंग के लिए खड़ा हुआ है। ओह क्या स्ट्रेट उठाया, ये तोतला भी कुछ सही बॉल नहीं करवा रहा है। अबे गया, जा बेटा समीर। दोस्त के पास आ चुका हूँ, दोस्त के पास से क्रिकेट वगैरह खेल के और अब नाश्ता आ गया, पकौड़े, और अब ये जल्दी से खाता हूँ फारिग होकर फिर शॉप जाना वापसी। वैसे मैं पकौड़े खाता नहीं हूँ लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी लग रहा है तो इसको चेक करते कैचअप के साथ। सही, अच्छा
मैं घर में था, घर से फारिग होकर अभी दोस्तों के साथ आया हूँ और ये हमारे ताहा भाई ड्राइविंग कर रहे हैं 125, काफ़ी हेवी ड्राइवर है। आज इनका ड्राइविंग चेक करते हैं। हम लोग जा रहे हैं चिप्स खाने और ये साथ बैठा हुआ बलोच, इससे भी मिलवाते हैं उधर। और दो और आ रही है दो शबाड़ा। अब ताहा आज बताएगा 125 की ड्राइविंग कैसे करता है कैसे नहीं करता। ये ताहा बैठा हुआ है, सामने उजैर है, ये शहबाज है और शेरी है। ये लोग तो आपस में ऐसे मीटिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस चल रहा हो इन लोगों का। ये मेन्यू आ चुका है और इसमें हम लोग देंगे अपना सबसे फेवरेट जो हम लोग खाते हैं। ये ऑर्डर आ चुका हम लोगों का, एक पिज़्ज़ा फ्राइज और एंड एक सॉल्टी फ्राइज। ये फ्राइज जब आता है ना तो किसी से सब्र नहीं होता, बस सारे स्टार्ट हो गए खाने में। खाने पीने के बाद ये हाल कर दिया इन लोगों ने डब्बों का और शेरी तो छोड़ी रही नहीं है। ये उजैर लड़का बड़ा मजाकिया यार, ये बहुत मस्ती करता हमारे ग्रुप में, बड़ा नाइस लड़का है, फुल तफरी में रहता है और हम लोगों को भी तफरी करवाता है। ये बड़े मस्ती में रहते हैं, खुश मिजाजिया। उससे किसी का पेट नहीं भरा, उसके बाद इन लोग ने ये भी ऑर्डर कर दिया खाने के लिए। खा पी के फारिग हो चुके, अब जा रहा हूँ घर और रास्ते में सिस्टर लोगों के लिए कुछ खाने वगैरह का ले लूँगा, आइसक्रीम वगैरह। अब यहाँ से लेते हैं जल्दी से आइसक्रीम, क्योंकि सिस्टर लोगों ने पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आइसक्रीम लेकर आना। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं लेते हुए आता हूँ। घर में सबका एक ही फेवरेट है पिस्ता, तो मैंने कहा कि चलो पिस्ता ही ले लेते। और ये अभी मैंने इनको कहा है कि आप पिस्ता निकाल दो। आ चुका हूँ मैं घर पे, सब चीज़ फारिग करके आइसक्रीम भी ले आया था सिस्टर लोगों के लिए। अब मैं जा रहा हूँ फेस वॉश वगैरह करने, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह था। तो अब जा रहा हूँ अपना फेस वॉश वगैरह करके अपना काम करने बैठ जाऊँगा। तो वैसे एक बात है यार, रात को अगर मैं, अभी कुछ ऐसी आदत हो गई है ना मुझे कि रात को अगर 10 बजे के बाद बाहर जाऊँ ना तो अजीब सा बेचैनी होता है कि बस घर जाना है घर जाना है। ये वाला सीन है, ये नहीं कि मम्मी डैडी है, मतलब कुछ दिन से आदत लग गई है कि बस 10 बजा तो घर पे, घर से बाहर नहीं जाना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो रात को एक एक दो दो बजे तक जहाँ था घूमते रहता था, लेकिन अब आदत हो गई है कि 10 बजे घर जाना, उसके अगर 10 बजे के बाद बाहर जाता हूँ तो अजीब सा घबराहट होता है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।